बिस्मिल्लर इब्राहीम असलर्स मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मीडिया पर अपनी इस वीडियो में मैं आपसे रेगलान लीव्स वाली शर्ट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ इसकी स्टिचिंग इनशाला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी इसके लिए जो मैंने स्टफ़ लिया है वो कॉटन फैब्रिक है साठ इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी पौने दो गज़ जो एक नॉर्मल शर्ट के लिए फैब्रिक अवेलेबल होता है वो इस्तेमाल करने वाली हूँ सबसे पहले हम शर्ट की लंबाई देख लेते हैं तो जो मेरी शर्ट की एक्चुअल लेंथ होगी उससे दो इंच कम यहाँ पे मैं लेंथ लूँगी क्योंकि इसके ऊपर जो स्लीव हम स्टिच करेंगे उसमें वो दो इंच मज़ीद ऐड हो जाएगा 37 सेवन इंचज़ लेंथ लेने के बाद इसे मैंने एज़ इट इज़ फाड़ के दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है जो कपड़ा मैंने आपको दिखाया था वो स्लीवस के लिए है स्लीवस हम बाद में कट करेंगे इस कपड़े की चूंकि चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो फ्रंट और बैक का पल्ला इसी में से निकल जाएगा इसके डिज़ाइन के हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं सारा डिज़ाइन ऊपर की सिमत में जा रहा है अब कपड़े को यहाँ पे चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके मैंने क्रीज लाइन बना ली है अब मेरे पास अर्ज में जितना चौड़ा कपड़ा था उसी को मैं इस्तेमाल करूँगी ए लाइन टाइप की शर्ट कट करूँगी लेकिन अगर आपने अपनी शर्ट के हिसाब से जिसके आप चौक स्टिच करना चाहते हैं नॉर्मल शर्ट की तरह आपने वही चौड़ाई लेनी है जो आप नॉर्मल शर्ट की लेते हैं यानी कि जो चौक का मार्जिन होता है फोल्डिंग का जिसके ऊपर या तो हम पलटा लगाते हैं पाइपिंग लगाते हैं वो सेम हिसाब रहेगा अब इसे मज़ीद एक दफ़ा और डबल फोल्ड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे चार हिस्से आ जाते हैं जिस तरह हम नॉर्मल शर्ट की ड्राफ्टिंग के लिए कपड़े को फोल्ड करते हैं सेम ये वही चीज़ आ गई बस फर्क इतना है कि मैंने इसमें फैब्रिक अपनी शर्ट की चौड़ाई से ज़्यादा रखा हुआ है इसके डिज़ाइन सारा ऊपर की तरफ जा रहा है जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसकी आप देख लीजिएगा फोल्डिंग कैसी है मेरी तरफ जो है वो एक फ़ोल्ड है दो ओपन हिस्से हैं और मुझसे दूरी पर दोनों फोल्ड हैं जिसके ऊपर नेक लाइन बनेगी अब इसका नेकलाइन हम कैसे मार्क करेंगे कि मैंने गले की चौड़ाई साढ़े तीन इंच पहननी होती है लेकिन यहाँ पे मैं दो इंच चौड़ाई पे मार्क करूंगी इसकी कटिंग हम बाद में कर सकते हैं शुरू में इसे चौड़ा नहीं रखना इसके बाद हम इसकी आर्म होल को देखते हैं कि आर्म होल की डेप्थ और चेस्ट की फिटिंग कैसे करनी है तो आर्म होल जो नॉर्मल शर्ट का होता है मेरा वो साढ़े सात इंच होता है मैं मीडियम साइज के ड्रेसेस पहनती हूँ लेकिन यहाँ पे मैं उसे दो इंच ज़्यादा रखूंगी तो यहाँ पे साढ़े सात के बजाय साढ़े नौ इंच नीचे एक टेम्प्रेरी मार्क लगाना है वो टेम्प्रेरी मार्क हमें गाइडलाइन देगा कि उस पॉइंट के ऊपर हमने चेस्ट फिटिंग मार्क करनी है अब यहाँ पे मैं चेस्ट फिटिंग मार्क करूँगी जो कि दस इंच है मेरे केस में दोबारा से मैं आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ अब जो आर्म होल की डेप्थ है वो है साढ़े नौ इंच गले की चौड़ाई है दो इंच इन दोनों पॉइंट्स को तिरछा इस तरीके से मिला देना है स्केल की मदद से उमूमन होता है ऐसे है कि जो फ्रंट आर्म होल होता है उसमें हल्की सी हम ज्यादा गुलाई दे देते हैं मैं जिस तरीके की कटिंग कर रही हूँ इसमें फ्रंट और बैक आर्म होल एज इट इज रहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसे हल्की सी शेप दे रहे हैं या नहीं अब जो मैंने चेस्ट मार्क किया है इसके बाहर जो हमारे सिलाई का मार्जिन होता है वो डेढ़ इंच वो मैं यहाँ पर जरूर रखूंगी और उसको सीधा मार्क करूँगी अब आपने अगर अपनी शर्ट के हिसाब से मेजरमेंट लेनी है तो फोटीन एंड हाफ नीचे की तरफ लेके फोर्टी एंड हाफ़ नहीं ट्वेल्व एंड हाफ़ और फिर आपने इसको तकरीबन ट्वेंटी इंचिस के ऊपर अपने हिप्स को मार्क कर लेना क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो इंच जब हम स्लीव को ऊपर ऐड करेंगे तो वो कमीज़ की लंबाई में इजाफा होगा वैसे मैं कभी आपको इन फ्यूचर वो शर्ट भी सिखा दूँगी लेकिन यहाँ पे चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा कपड़ा था मैं इसे ज़ाया नहीं करना चाह रही थी मैंने इसे ए लाइन शेप ही दे दिया है तो जो मैंने चेस्ट मार्क किया था उसके बाहर जो ईज मार्क था उसको डायरेक्ट नीचे यूँ मिला दिया है इस तरीके से अब नीचे आप चाहें तो पाँच पाँच इंच चौक खुले छोड़ सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो नीचे से गोल शेप हल्का सा राउंड देने के बाद इसके चौक्स बंद कर सकते हैं तो मैंने क्या किया है कि इसके साइड का तिरछापन जो आ रहा था फिटिंग वाला उससे चार इंच ऊपर लेने के बाद हल्की सी गुलाई की शेप दे दी है ताकि थोड़ा सा डिसेंट सा लुक आए अब हमने क्या करना है कि जो मैंने यहाँ पे चेस्ट का एक्चुअल मार्क था उसको नीचे की तरफ हाफ़ इंच जो नीचे बॉटम आया है उसे हाफ इंच दूरी पे लेके एक तिरछा निशान लगा दिया ताकि मेरे पास सिलाई के लिए निशान मौजूद हो अब हम इसकी कटिंग कैसे कर रहे हैं वो देख लें जो निशाना मार्क किए हैं मैंने बाहर बाहर उसके ऊपर कटिंग करनी है अब नीचे बॉटम पे एकदम तिरछा नहीं लेके जाना है ये वाला हिस्सा देखिएगा यहाँ से सीधा फिर गुलाई में ताकि जब हम साइड की फिटिंग करते हैं तो हमारे पास ये मार्जिन मौजूद हो तो हमारे पास फ्रंट और बैक के पैनल यहाँ पे कट चुके हैं शर्ट के अब स्लीव्स की बारी आती है स्लीव्स की बात समझ लीजिएगा जो हिस्सा मैंने कट किया है उसी को दोबारा उसके ऊपर प्लेस किया है दिखाने की वजह यह है कि जो मैंने आर्म होल की डेप्थ कट की थी वो साढ़े नौ इंच थी लेकिन जब हम इसके स्लीव की डेप्थ को देखेंगे तो मुझे हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा जो कि सिलाई के, के तौर पर अंदर जाएगा तो यहाँ पर दस इंच तो वही हो गया जो सिलाई के मार्जिन समेत जो डेप्थ रखी है शुरू से मैं आपको बताती चली आ रही हूँ कि स्लीव ऊपर से दो इंच एक्स्ट्रा होती है यहाँ से रेगलान वाली जिसको आप एज अ तीरा भी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे मैं तकरीबन साढ़े बारह इंच एक साइड स्लीव की लूँगी इंक्लूडेड है इसमें वो सिलाई का मार्जिन इसको डबल फोल्ड करते हैं तो साढ़े बारह का डबल हो जाता है पच्चीस इंच ट्वेंटी फाइव इंचज अब यहाँ पे ये एक मेरे पास स्टैचू सा है अब मैं बाजू की लंबाई का तरीका बता दूँ गले की चौड़ाई हमने दो इंच रखी हुई थी बाजू नॉर्मल हम पहनते हैं ट्वेंटी टू इंचज लॉन्ग मीडियम साइज़ के अंदर तो आपने जहाँ पे गले की अपने इंच स्टेप रख लीजिएगा बाजू को इस तरह खोल लीजिएगा आपने आधी बाजू पहननी है फुल पहननी उसके हिसाब से आपने अपने गले के पास से इसे मेजर करना है देखिए यहाँ पे बता रही हूँ हम सात इंच का तीरा अगर पहन रहे हैं तो इतना मेरा कम पड़ रहा है बाजू का तो बाजू की लेंथ में इतना मार्जिन मुझे एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पर अगर मैं इसे पूरी कलाई तक की स्लीव्स बनाना चाह रही हूँ यहाँ पे डिपेंड करता है आप कोहनी तक बनाएं किस तरीके से तो मेरी 22 इंच थी तो उसमें चार इंच एक्स्ट्रा रखूँगी ये वो फैब्रिक था जो कि शर्ट के, के फ्रंट और बैक के पैनल को कट करके एक्स्ट्रा निकला हुआ था इसमें कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है थोड़ा तिरछान होगी वो हम निकालेंगे इसको एज इट इज़ हम पच्चीस इंच एक बाजू का और फिर इसको डबल फोल्ड करने के बाद पच्चीस इंच दूसरी बाजू का कपड़ा लेने के बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको काट देंगे जब ये कट जाएगा तो पहले हम इसे जिस तरीके से फोल्ड किया हुआ है इसको क्रीज लाइन बना लेते हैं फिर इसे एक दफ़ा और मजीद इस तरह फोल्ड करके जिस तरह हम नॉर्मल स्लीव के लिए कपड़ा फोल्ड करते हैं वैसे इसको फ़ोल्ड करके एक क्रीज़ लाइन बिठा लेंगे क्रीज लाइन यहाँ पे बनानी इंतहाई ज़रूरी है उसी पे डिपेंड करता है कि हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है अब इस कपड़े में थोड़ा बहुत तिरछापन होता है देखिए आपको नज़र आ रहा है कान वगैरह है तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से कट नहीं किया था एक और हिंट मैं आपको दे देती हूँ इस तरह की अगर आपको शर्ट्स बनानी होती हैं मीडियम साइज़ तक तो बाजू की चौड़ाई आप देख लें हमारे जो थ्री पीस सूट्स आते हैं उसमें बाज़ू की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं बाजूकात होती है तो पहले आप नाप लें अगर आपका फैब्रिक उस हिसाब से है तो फिर आप कटिंग कीजिएगा अब देखें मैंने डिज़ाइन का लिहाज रखा है फूल सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं जरदरख्त बने हुए हैं और ये नीचे वाला हिस्सा है और दोनों हिस्से जो फोल्डेड हैं वो ऊपर की तरफ हैं अब मैंने स्लीव को इस तरीके से नीचे बिछा लिया है कि इसका नीचे वाला हिस्सा जो एक साइड ओपन एक फोल्डेड है वो नीचे की तरफ़ जाएगी साइड से ये अगर कुछ तिरछान है तो उसे कट कर लेना है सीधा कर लेना है और बाजू के दोनों फ़ोल्डेड हिस्से ऊपर की तरफ़ हैं मैं थोड़ा सा करीब करके भी आपको दिखा देती हूँ कि इसे हमने प्लेस किस तरीके से करना है मैंने एक एक चीज़ शूट करने की कोशिश की आप लोगों के लिए ताकि आपको कटिंग में आसानी हो इसलिए मैंने ये वीडियो अल्लाह से बनाई है अब जो आर्म होल वाला हिस्सा है वो आधा इंच नीचे की तरफ गया हुआ है ये देखें क्योंकि ये आधा इंच स्लाई में जाएगा लेकिन गले की तरफ वो आधा इंच मैंने उस तरफ बढ़ा के गले की तरफ बढ़ा के रखा हुआ है एकदम मैंने गले के साथ नहीं रख दिया था ये आधा इंच बढ़ा हुआ है बाजू नीचे रखी है जो आर्म होल हमने कट किया हुआ है वो उसके ऊपर रखने की वजह यह है कि अब हम इसी के साथ साथ चौक के निशानात ट्रांसफ़र करेंगे बाजू के ऊपर उम्मीद है आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी अब मैं इसके सारे निशानात ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और निशानात ट्रांसफ़र कर लेने के बाद जो इसमें हमें सिलाई का मार्जिन लेना है वो हम लोगों को लेना है जब ये कमीज़ का हिस्सा यहाँ से उठा देंगे तो वो अंदर वाले हिस्से की तरफ अभी मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये इस तरफ इसीलिए फ़ौरन से इसे कट नहीं करना है और बाजू की लंबाई का मैंने लिहाज रखा हुआ है ये देखिए हाफ इंच यहाँ से तिरछान वाले हिस्से से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ बॉटम से भी हमने इसे प्रॉपरली कट कर लेना है इस हिसाब से यहाँ पे स्लीव्स की रेगलान के हिसाब से कटिंग हो चुकी है इसमें जो कुछ भी मजीद ऐड करना होगा जब मैं स्टिचिंग करूंगी तो आपको बता दूंगी अब इसके फ्रंट वाले हिस्से पे जो मेरी स्लीव की लेंथ थी उससे ये तकरीबन डेढ़ इंच ज़्यादा है मैं इसे ज़ाया नहीं कपड़े को करना चाह रही इसमें कोई ऐड कर दूंगी डिज़ाइन जब मैं इसको स्टिच करूंगी आपको समझा दूंगी तब जब इसकी स्टिचिंग हम कंप्लीट करेंगे अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ सब्सक्राइब टू तो माई चैनल हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस ही कमीज़ की स्टिचिंग लेके इसमें अगर कुछ चेंजेस करनी होंगी तो वो करेंगे इसका नेक लाइन बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाफे